गरियाबंद जिले की दूसरी सीट बिंद्रवागढ़ से प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रह चुके गोवर्धन मांझी का नाम सामने आया है। अब तक उनसे चर्चा की गई, वे कहते हैं वे पार्टी के प्रति आभारी है, उन पर पार्टी ने भरोसा किया है और एक बार पूर्ण मौका दिया है। वहीं जीत के अंतर के प्रश्न पर वे कहते हैं कि पूर्व चुनाव से भी अधिक मतों से इस बार जीतेंगे, उन्हें जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। वैसे आंकड़े बताना संभव नहीं है। 2030 में भाजपा की सरकार बनने के प्रश्न पर वे कहते हैं कि वे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया और आज भी घोषणा ही रह गई है, जिससे जनता काफी परेशान है। आभारी हूँ पूरे पार्टी का जिन्होंने मुझे इस योग समझा और भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। अब वो जीत के अंदर पब्लिक तय करेगी और मुझे आशा है कि हम उसको भी क्रॉस करेंगे। ऐसा जो पब्लिकों का मुझे जन समर्थन मिल रहा है, जो आशीर्वाद है, वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी आंकड़ा बता पाना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनना लगभग कन्फर्म है। ये चाहे इसके वादा इसने किया था, उसके वादे को लोगों ने देख चुका है 5 साल, एक भी वादा कहीं पे भी पूर्ण रूप से उसके उस पर अमल नहीं हुआ है, सिर्फ वो वादा ही किया इसने। और बहुत सारे ऐसे वादा हैं जिसको धरातल में एक कुछ भी उसने प्रारंभ तक नहीं कर पाया, वही उसका उसके हाल का कांग्रेस का मूल कारण होंगे, जो वादा करके कुछ भी कर नहीं पाया।